रेडी स्टार्ट। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म के महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पर्श समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पर्शीय जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। उन्हें प्यास लगने पर स्कूल में रखे पानी के बर्तन को छूकर पानी पीने की अनुमति नहीं थी। चपरासी या कोई अन्य व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी डालता था। यदि कभी चपरासी नहीं होता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहता था तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। लोगों के इस भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पर्शीय माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया तथा उनके कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए दकियानुषी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1923 ईस्वी में अंबेडकर स्वदेश लौटे तथा मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करना प्रारंभ किया। यहाँ भी उन्हें अपनी जाति के प्रति समाज की गलत धारणा एवं भेदभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोर्ट में कुर्सी नहीं दी जाती थी तथा कोई मुवक्किल उनके पास नहीं आता था। संयोगवश उन्हें एक हत्या का मुकदमा मिला जिसे किसी भी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इतनी कुशलता से इस मामले की पैरवी की कि जज ने उनके मुवक्किल के पक्ष में निर्णय दिया। इस घटना से अंबेडकर को खूब ख्याति मिली। अंबेडकर ने बचपन से ही अपने प्रति समाज के भेदभाव रूपी अपमान को सहा था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र ने शोषित समाज को जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। उस समय दलितों को अछूत समझकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मांग की और 1930 में 30,000 दलितों के साथ लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। इस अवसर पर उच्च वर्णों के लोगों की लाठियों की मार से अनेक लोग घायल हो गए, किंतु उन्होंने सबको मंदिर में प्रवेश करा कर ही दम लिया। इस घटना के बाद लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। उन्होंने 1935 ईस्वी में इंडिपेंडेंट
लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों की भलाई के लिए कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। ब्रह्म